तरन तारण तो तरन तारण के पट्टी तो तस्वीर सामने आई ने तस्वीर ने एक नौजवान दिया तस्वीर ने वायरल वीडियो दिया तस्वीर ने एक शरेआम हवाई फायर करने दी वीडियो सामने आई है टीवी स्क्रीन तो सारे दर्शक वेख सकते हैं शरेआम हवाई फायर करता होया नौजवान ये नौजवान नजर आ रहे हैं वीडियो वायरल है पट्टी तो वीडियो सामने आई है पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है शरेआम हवाई फायर करता होया ये नौजवान नजर आ रहे हैं तरन तारण के पट्टी तो इस नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया से लगातार वायरल हो रही है पुलिस वालों केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है दस दिए कि गन कल्चर के खिलाफ सुबह सरकार के वालों सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे और इस तरह का किसी भी तरीके हथियारों के प्रदर्शन से पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई गई थी प्रशासन भी पूरे तरीके चौकस है और जिथे कितने भी तस्वीर सामने आदि ने अगर कोई गन कल्चर प्रमोट करता होया हथियार प्रमोट करता होया नजर आता उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है सोशल मीडिया से वीडियो लगातार वायरल हो रहा है पुलिस वालों केस दर्ज कर लिया गया जांच शुरू कर ली गई है मनीष सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मनीष की जानकारी कदों का वीडियो है किसका है वीडियो है ये शख्स कौन है जो गोलियां चला रहे हैं हवाई फायर जो कर रहे हैं जी बिल्कुल तरन तारण के पिंड राजू जोहल सिंह का रहने वाला दसा जा रहा है जिसका नाम बरिंदर सिंह है फिलहाल पुलिस ने शख्स के खिलाफ जो है पर्चा दर्ज कर लिया तो दसा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो गई है वीडियो कितों की सी फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है लेकिन लगातार जो कई महीने पहले की गल करिए कि सरकार वालों खास करके पुलिस प्रशासन वालों जी चेतावनी दी गई थी कि जे किसी की इस तरह की गन कल्चर को प्रमोट करती हुई वीडियो सोशल मीडिया से है उसको डिलीट कर सकता है डिलीट करने का टाइम दिया गया थी लेकिन उस तो बावजूद लगातार इस तरह की कई वीडियो जिहड़ियां सामने आ रही ने जिसे जो शख्स जिहड़े ने गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं गन कल्चर प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तो बाद पुलिस जी सख्त हुई है लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही ने जिदा एक हिस्सा है जिसे तरन तारण पुलिस के थाना सदर पट्टी ने जरा एक केस दर्ज किया वरिंदर सिंह नाम के शख्स के खिलाफ फिलहाल अगले मामले की जांच जारी है जी करो बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए कोई भी अपडेट आता तो साढ़े तक जरूर पहुंचाना।